दोस्तों, JKSSB के हवाले से आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितना क्रिस्प और जितना शॉर्ट ये वीडियो हो सकता है उतना हम रखेंगे। बाकी इस वीडियो में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक बात है आपकी जो हियरिंग है JKSSB की, वो 19th को है। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि कोर्ट केस कितना लंबा चला और कितना ज़्यादा इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें हुई, तो अब जो है वो फाइनली 19 अप्रैल तक जो है वो इसको केस को जो है वो लिस्ट कर दिया गया है। अब मसला ये है कि क्या 19 तारीख को जो है वो कि जजमेंट आएगी या नहीं आएगी, इस चीज़ के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि एक कॉज लिस्ट जो है वो आ चुकी है। कॉज लिस्ट में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में अपडेट दे दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो कॉज लिस्ट है दोस्तों, कॉज लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी थी, और कॉज लिस्ट में जो है वो केस ऑफ विंकल शर्मा वर्सेज एपटेक, तो इसको जो है वो सीरियल नंबर 156 पे डाला गया है। अब कोरम को चेंज कर दिया गया है। अब कोरम जो है वो किसके अंडर आ गया, किसके पास आ गया, जस्टिस वसीम सादिक नरगाल जी के पास आया है। ठीक है, अब पहले जस्टिस राहुल भारती जी के पास था, लेकिन अब जस्टिस वसीम जी के पास है। ये हमारे ऑनरेबल जज है, इन्हीं के पास जो है वो इस चीज़ का जो है वो केस आ चुका है। ठीक है, अब ये वही पर्सनैलिटी है, ये वही ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने दिसंबर के महीने में जो है वो JKSSB के सारे एग्ज़ाम पे रोकथाम लगा दी थी, जब कैंडिडेट्स ने जो है वो लिटिगेट किया था, जब कैंडिडेट्स ने कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया था, उस टाइम पे इन्होंने एक जजमेंट दी थी। उस जजमेंट पे जो है वो बताया गया था कि अब जो है वो JKSSB को दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट करने होंगे, और जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो आप जानते हैं कि फिर डिविजनल बेंच में जो है वो इसका सिलसिला चला 2-3 महीने तक, वहाँ भी चला। उसके बाद अब फाइनली जो है वो डिविजनल बेंच ने इसके उस ऑर्डर को क्वाश करके जो है वो दोबारा से इसको भेज दिया। आप जानते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया। सुप्रीम कोर्ट से अब जो है वो डायरेक्शंस मिली है कि अब भाई साहब अब जो है वो इसका केस जो है वो यहाँ पे पहले हाई कोर्ट को जो है वो डायरेक्शन दी गई है 4 महीने के अंदर अंदर आप इसकी जो है वो डायरेक्शन दें, 4 महीने के अंदर अंदर आप इसका जो है वो जजमेंट दें। तो उम्मीद जो है वो यही की जाएगी कि अब 19 अप्रैल को जो है वो उम्मीद यही है कि अब वो जजमेंट आ जाएगी। अब वो कैंडिडेट्स जो इतने लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो उनका जो है वो अब कुछ अपॉजिटिव जो है वो उनको मिले। जो अथॉरिटीज़ मुझे उम्मीद है कि जो जजमेंट आएगी वो अच्छी ही होगी, कैंडिडेट्स के फेवर में होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये मैं कैंडिडेट्स को बताते आ रहा हूँ कि भाई साहब अब आप SSC CGL पे फोकस करें। JKSSB के लिए भी आप पढ़ें, लेकिन आप SSC CGL के लिए पढ़ें। ठीक है, SSC CGL आप फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली JKSSB का तो उसमें ऑब्वियसली कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो SSC CGL की प्रिपरेशन आज से ही करें। आपको YouTube पे पूरी दुनिया की गाइडेंस मिलेगी किस तरह से SSC के लिए पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको YouTube से मिल जाएंगी। YouTube पे जो है वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। बाकी आपका कोई पर्सनल सजेशन है, राय या कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। खुदा